हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक छोड़ा था, आपका जो टॉपिक लीव किया था वहां पे बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने क्या किया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो मेजरली अब हम जिस पॉइंट की तरफ चल रहे हैं उस पॉइंट का हमारा नाम है कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बेसिकली आपके 3 स्टेप्स हैं, बट मैं चाहता हूं कि वो स्टेप्स आप क्या करें, प्रैक्टिस करते करते कवर कर लें, क्योंकि उनको लिखवाने से वो इतनी आसानी से याद नहीं होंगे, और मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बीच बीच में वो बोल के, बेसिकली आपके 3 पॉइंट्स हैं बस, 3 से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप क्या कर लोगे, सीख लोगे। अब यहां पे दोस्तों एक पॉइंट है, यहां पे पॉइंट क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर आपका जो बैलेंसिंग का मेथड दिखाया गया है उस मेथड से हम लोग नहीं करते, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और उसके लिए आपके कम से कम 3 से 4 पेज भर जाएंगे जो एनसीईआरटी का फॉर्मेट है। बट हम लोग क्या करेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर करेंगे और उस क्वेश्चन का नाम है कि आप कौन से मेथड से किसी भी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है दोस्तों? हिट एंड ट्रायल मेथड। ये लिख लीजिएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है बट 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो हम किसी भी तरीके से इस तरीके से लीव नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं पता कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को पुटअप कर ले। ठीक है, तो इसलिए आपको लिखना है कि हम कौन से मेथड से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है दोस्तों? हिट एंड ट्रायल मेथड। सिर्फ आपको ये नाम याद रखना है, बाकी हम जो इनको बैलेंस करेंगे वो आपकी बैलेंस करेंगे डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से बैलेंस करेंगे? डायरेक्ट मेथड। तो आइए जरा डायरेक्ट मेथड को हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है और किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो चलिए उसके डिस्कशन करते हैं, उसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन लिखी, ये आपको दिख रही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं इधर नंबर ऑफ एटम काउंट करूंगा हर एक के, आपकी क्योंकि ये शुरुआत है इसलिए मैं एक एक करके यहां पे क्या करता हूं, बेस से समझाता हूं। जैसे आपने लिखा यहां पे, आप एक टेबल बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या लिख लेना अभी के लिए, रिएक्टेंट, और क्या लिख लेना, प्रोडक्ट। क्या लिख लेना? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में क्या है? कार्बन और क्या है? ऑक्सीजन। एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिखाया गया है, बट ये आपको क्या करना है, इस तरीके से हमारा ये बहुत लेंथी हो जाता है हर बार टेबल बनाना, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं इसलिए मैं इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूं। अब यहां पे देखिए, कार्बन के आगे या पीछे कुछ लिखा हुआ है? आप देखेंगे कि कार्बन के ना तो आगे कुछ लिखा हुआ है ना ही पीछे कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब कार्बन का यहां पे नंबर कितना होगा? 1। कार्बन का यहां पे नंबर कितना है दोस्तों? 1। आपने लिख लिया कार्बन का नंबर। फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा है यहां पे? ऑक्सीजन, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ऑक्सीजन का अगर आप नंबर देखें तो यहां आगे, इसके आगे कुछ लिखा हुआ है? आंसर होगा नहीं। बट इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है? आंसर होगा हाँ। कितना लिखा हुआ है? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है? 2। कार्बन का जो आपका कार्बन का एटम है रिएक्टेंट साइड में वो है 1, और ऑक्सीजन का जो रिएक्टेंट साइड में नंबर है आपका वो कितना है दोस्तों? एटम का नंबर 2। अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट साइड में भी हमारा जो नंबर होना चाहिए वो इतना ही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कार्बन के नंबर को यहां पे काउंट करते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीख लेंगे। देखिए यहां पे कुछ लिखा हुआ है क्या कार्बन के आगे? कार्बन के बिल्कुल आगे। आंसर होगा नहीं। इसका मतलब कितना हो गया? 1। क्या यहां आगे कुछ लिखा हुआ है? नहीं। इसका मतलब कार्बन का नंबर यहां पे कितना है दोस्तों? 1। कार्बन का नंबर प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया? 1। अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है? 2।
बट यहां कुछ लिखा हुआ है इसके यहां आगे नहीं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 2। तो आप देखेंगे कि कार्बन का नंबर 1, कार्बन का नंबर 1, ऑक्सीजन का एटम का नंबर 2 और ऑक्सीजन के एटम के नंबर 2। इसका मतलब जितने एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में भी दोस्तों कितने हैं 3। इसका मतलब ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये ऑलरेडी क्या है आपकी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों बैलेंस्ड। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैं ये छोटे एग्जांपल से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको बेस क्लियर होता जाए। आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे हमें इनके आपका जब बैलेंस, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि रिएक्शन अनबैलेंस है या बैलेंस। अगर बैलेंस है तो कुछ नहीं करना, बट अगर अनबैलेंस है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे जो मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसको लिखा रहने दीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हम अब यहां पे ये चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेंज करके अगली रिएक्शन लिखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि और कैसे बैलेंस किया जाता है। अब देखिए हम अगली रिएक्शन लेते हैं, कौन सी रिएक्शन लेते हैं दोस्तों, अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन में चीजें हम सीखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि क्या होती है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा पहले ही। अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन जो इससे आगे की है। इससे आगे की रिएक्शन में एनसीईआरटी वाली उठाता हूं, एमजी प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू MgO। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियर होगा यहां से रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट हैं, लिखिए जरा Mg, और क्या है दोस्तों ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में भी क्या है Mg, और क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ एटम लिखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम के आगे कुछ है नहीं, यहां पे कुछ है नहीं, इसका मतलब मैग्नीशियम का नंबर कितना हो गया 1। ऑक्सीजन का नंबर यहां पे आगे कुछ है नहीं, पीछे 2, इसका मतलब ऑक्सीजन का नंबर यहां पे कितना हो गया दोस्तों 2। मैग्नीशियम का नंबर प्रोडक्ट साइड में, यहां पे कुछ है आगे नहीं, यहां मैग्नीशियम के आगे, यहां देखना है, यहां मैग्नीशियम के आगे कुछ है नहीं, इसका मतलब मैग्नीशियम का नंबर कितना हो गया 1। ऑक्सीजन का भी इसी तरीके से चेक करना है, यहां आगे कुछ है नहीं, और यहां पे ऑक्सीजन के आगे नहीं, इसका मतलब यहां पे कितना है 1। अब जरा आप देखिए, मैग्नीशियम का रिएक्टेंट साइड में नंबर है 1, प्रोडक्ट साइड में भी नंबर कितना है 1, इसका मतलब दोनों तरफ मैग्नीशियम तो बराबर है, बट ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है जबकि प्रोडक्ट साइड में कितना है 1। अगर पूरी रिएक्शन में एक भी एटम अनइक्वल हुआ, एक भी एटम अगर बराबर नहीं है तो उसको आप क्या बोलेंगे अनबैलेंस, उसको क्या बोलेंगे अनबैलेंस। अब बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि आपका, हमें यहां पे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे 2, और ऑक्सीजन कितना है 1, इस 1 को हमें कितना बनाना है 2। तो कई दोस्त क्या करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए यहां पे 2 लिख लीजिए, ये तरीका बिल्कुल गलत, आप ऐसे कभी नहीं कर सकते, पीछे आप कभी भी कुछ नहीं लगाएंगे। जो आप गलती करते हैं जज्बाती होके, ये पहली गलती नहीं करनी, ये बिल्कुल गलत मेथड है। ठीक है, अब दूसरा मन में क्वेश्चन आता है, चलो कोई बात नहीं ये गलत है, तो हम क्या करते हैं इसके बीच में यहां पे 2 लगा देते हैं, भाई ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दो तो ऑक्सीजन का नंबर 2 हो गया, ये भी बिल्कुल गलत। ना तो आप बिल्कुल इसके बीच में यहां आगे लगाएंगे, ना ही इसके पीछे लगाएंगे, तो फिर यार हम लगाएंगे कहां पे, भाई आपने ये बोल दिया कि ये भी तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, तो फिर सही क्या है भाई, हम इस तरीके से भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, तो फिर करेंगे कैसे। तो जरा देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, आप लोग करेंगे यहां पे, यही चीज आपको समझनी है कि जब भी आप कभी बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये नंबर आप लगा रहे हैं, 1 को कितना बना रहे हैं 2, तो 1 में आपको ना तो प्लस करना है, ना सब्ट्रैक्ट करना है, ना मल्टीप्लाई, सॉरी ना डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग के टाइम पे क्या होता है मल्टीप्लाई, सिर्फ और सिर्फ आपको गुणा करनी है। तो आप क्या करेंगे, 1 को 2 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 2 का, जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सही मेथड है वो हमेशा कहां आएगा, आगे लिखना है, हमेशा कहां लिखना है आगे। अब आप सोचेंगे कि ये हमारा नंबर बिल्कुल बराबर हो गया,
जैसे ही आप इतना लिख के आएंगे ये रिएक्शन अभी भी अनबैलेंस है। देखिए कैसे, अगर मैं यहां लिखूं ये टू जो है इसका मतलब होता है इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। तो जरा देखिए मैग्नीशियम का नंबर टू इंटू वन, मैग्नीशियम का नंबर यहां पे कितना हो गया दोस्तों दो, ऑक्सीजन का भी कितना हो गया दो। तो आप क्या सोचेंगे कि हमने ऑक्सीजन अनबैलेंस थी, ऑक्सीजन बैलेंस कर दी, आंसर कंप्लीट। नहीं, हमेशा बैलेंस करने के तुरंत बाद जो उसके साथ में एलिमेंट है उसको फिर से देखो। जैसे ही आप देखोगे तो मैग्नीशियम कितने हो गए यहाँ पे दो और मैग्नीशियम कितना है एक। ये देखो ये आपने बैलेंस करने के बावजूद भी अनबैलेंस रह गई, तो अब आपको इस एक को भी कितना बनाना है दो। मैंने आपको बताया आप नीचे नहीं लिख सकते टू, तो यहाँ पे ये अकेला है इसलिए इसके आगे हम टू लिख सकते हैं। तो ये आपकी हो गई बैलेंस रिएक्शन, ये आपकी क्या हो गई बैलेंस रिएक्शन। अब आप देखना चाहें मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो, दोनों तरफ आपके नंबर ऑफ एटम क्या हो गए दोस्तों बराबर। ये वन वन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये वन कभी भी लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं इसलिए मैंने ये लिख लिख के बताया। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं कि आपने क्या किया सबसे पहले। अब इसका क्या है, ये तो आपका पूरा डिटेल्ड मेथड है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं इसलिए इसको ऐसे करेंगे, बाकी जब आप आगे धीरे धीरे जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें एक रूल बन गया, रूल नंबर वन क्या कहता है, जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो कभी भी जो नंबर लगाएंगे वो ना तो सबसे लास्ट में लगाएंगे ना दो एलिमेंट के बीच में लगाएंगे, हमेशा उस एलिमेंट के कहां आएगा, अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड के आगे आएगा, वो एलिमेंट है तो एलिमेंट के आगे आएगा। ठीक है, कभी भी यहां पीछे या आपका बीच में नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना रूल नंबर वन सबसे जरूरी चीज। और इसको अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो आप कर लेंगे थोड़े से टाइम बाद जब आपकी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आफ्टर सम टाइम आप क्या करेंगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इनको करेंगे अभी, इसी मेथड को इसी वाली रिएक्शन को मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं, ये मैं रब कर रहा हूं। ठीक, इसको मैं रब करके आपको समझाता हूं कि क्या होता है कैसे होता है। देखिए यहां पर ये रिएक्शन मैं दोबारा लिखता हूं, Mg plus O2 converted into MgO। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहां पर करना क्या होता है, Mg1 डायरेक्ट गिनिए, Mg1 Mg1 ओके फाइन, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन वन। अब इस वन को क्या करना है आपको टू, तो वन में कितने की मल्टीप्लाई करूं, डायरेक्ट हो जाएगा टू की मल्टीप्लाई, बट तुरंत मत करना, उसके जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया उसके साथ जो एलिमेंट है उसको भी ध्यान रखना है। ऐसा करने से आपके ऑक्सीजन तो दो हो गए पर इसकी मल्टीप्लाई किसमें हुई मैग्नीशियम में भी, तो मैग्नीशियम भी यहां पर कितने हो गए दो, ऑक्सीजन तो दो हो गए ठीक है बट मैग्नीशियम यहां पर कितने हो गए दो और यहां पर मैग्नीशियम कितना है एक, तो इस एक को दो बनाने के लिए यहां मल्टीप्लाई। आपको इस तरीके से इन क्वेश्चनों को डील करना है ना कि उस तरीके से बॉक्स से। हम आप कर सकते हैं शुरू में आप बॉक्स का यूज कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हैबिट इस तरीके से डालनी है डायरेक्ट मेथड की। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन पे। अब किस पे चलते हैं, अगली रिएक्शन। आइए अगली रिएक्शन क्या है आपकी उसको समझते हैं, और ये कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो आप अपना एक नंबर डेढ़ नंबर जो भी है वो एग्जाम में तो गवाई सकते हैं, साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन क्या है, जेड एन प्लस एस टू एसओ फोर कन्वर्टेड इंटू जेड एन एसओ फोर प्लस एस टू। ठीक है, शायद आपको ये रिएक्शन दिख रही होगी, जेड एन प्लस एस टू एसओ फोर कन्वर्टेड इंटू जेड एन एसओ फोर प्लस एस टू। अब इस रिएक्शन में क्या करना है, आप डायरेक्ट मेथड लगाइए, टेबल वाला तो लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक एक करके कोशिश कीजिए। जेड एन कितना है यहां पे एक, जेड एन कितना है यहां पे एक, क्योंकि इसके ना तो आगे कुछ है ना यहां पीछे कुछ है, एक एक बराबर। हाइड्रोजन कितना है यहां पे, हाइड्रोजन के आगे दो, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन यहां पे कितना है दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बराबर, वेरी गुड। सल्फर कितना है, सल्फर एक, एस एक है, एस कितना है एक, ओ कितना है चार, ओ कितना है चार। ये मैंने अभी आपको ये अलग अलग क्यों बताया, वैसे तो ये पूरा सल्फेट आयन है, ये क्या है SO4,
जो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, बट कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, तो शुरू में मैं उनको अलग अलग करके बता रहा हूं, बाद में वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने देखा जेडन एक जेडन एक, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो, सल्फर एक सल्फर एक, ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन चार। अरे ये तो बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन क्या है दोस्तों, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, तो हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए अगली रिएक्शन पे, चलिए इसी के साथ करता रहता हूं मैं, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरी क्या है, H2 plus O2 converted into H2O, इसको देखते हैं दोस्तों क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस। अगर बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अनबैलेंस है तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं हाइड्रोजन का एटम कितना है, दो, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन का एटम कितना है, दो, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर, ओके वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना है, दो, ऑक्सीजन का एटम कितना है, एक, यार ऑक्सीजन बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पहली बार ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहां पे वन है ऑक्सीजन, जो वन है उसको कितना बनाना है, टू, टू बनाने के लिए टू की मल्टीप्लाई। अब जैसे ही आपने टू की मल्टीप्लाई करी तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, बट हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, टू इंटू टू, ये ध्यान रखना ये प्लस माइनस और डिवाइड कभी नहीं होते, हमेशा बैलेंसिंग में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे टू की टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हो गए दोस्तों, यहां पे चार, टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, चार एटम, और यहां पे कितने हैं, दो, तो इसको भी मुझे बनाना पड़ेगा चार, तो इस दो में कितने की मल्टीप्लाई करूं, दो की मल्टीप्लाई। तो आपका ये टोटल ये रिएक्शन क्या हो गई, आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हमने दो रिएक्शन, तीसरी आपकी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारी हैं जिनको आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन ले रहा हूं, ठीक है, थोड़ी बड़ी जो है Fe, क्या है आपकी रिएक्शन, Fe plus H2O, Fe plus H2O converted into Fe2O3 plus H2, Fe3O4 plus H2, यही है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को चेक करते हैं कि क्या ये रिएक्शन बराबर है, बैलेंस है या नहीं है। Fe का नंबर कितना है दोस्तों, एक, Fe का नंबर तीन, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम खर्च मत कीजिए, एक बराबर नहीं है इसका मतलब बराबर नहीं है। अब Fe कितना है यहां पे, एक, यहां पे कितना है, तीन, हाइड्रोजन कितना है, दो, हाइड्रोजन कितना है, दो, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन चार। अब यहां पे दूसरा रूल आता है, दूसरा रूल क्या कहता है कि आपका यहां पे Fe भी बराबर नहीं है और यहां ऑक्सीजन भी बराबर नहीं है। जब दो एलिमेंट बराबर ना हो तो पहले किसे बैलेंस किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर आप Fe की बात करो तो Fe यहां पे है वन और यहां पे है थ्री, ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन यहां पे है वन और यहां पे है फोर, हमेशा ऐसे केस में निकालना जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा। तो थ्री में से बन जाएगा तो कितना आएगा, टू, फोर में से बन जाएगा तो कितना आएगा, थ्री, तो किसमें डिफरेंस ज्यादा है, ऑक्सीजन में, तो आप पहले किसे बराबर करेंगे, ऑक्सीजन को, आयरन को नहीं करेंगे, पहले किसको बराबर करेंगे, ऑक्सीजन को। जब आप ऑक्सीजन को, ये आपने क्या निकाला, डिफरेंस, अब इसमें आपको ऑक्सीजन को बराबर करना है जब दो चीजें हो, जब ऐसी कंडीशन। अब देखिए जब आप बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखिए यहां पे ऑक्सीजन कितना है, चार, यहां पे कितना है, एक, एक को चार बनाने के लिए चार का मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने चार का मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो बराबर, पर तुरंत उसके बराबर वाले एलिमेंट को देखो जो उसके साथ में एलिमेंट है, हाइड्रोजन कितने हो गए, चार दुनी आठ, हाइड्रोजन कितने हो गए, चार दुनी आठ, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो, तो दो को आठ बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, चार का मल्टीप्लाई, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर ऑक्सीजन भी बराबर। अब आयरन को देखिए, आयरन कितना है यहां, थ्री, और आयरन यहां पे कितना है दोस्तों, वन, तो वन को थ्री बनाने के लिए थ्री का मल्टीप्लाई, रिएक्शन खत्म। और यही रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में कम से कम दो पेज की दे रखी है, पूरी बार बार टेबल बना के। हमें उतना टाइम नहीं है एग्जाम में, ना ही हम उसको करेंगे, हमें सिंपल क्या करना है, आपका इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे मूव ऑन करना है, डायरेक्ट मेथड से हम लोग करेंगे। ये रहा आपका इस तरीके से, ठीक है, ये रिएक्शन नोट डाउन कीजिए, फिर मैं और रिएक्शन आपको देता हूं।
ये आपकी क्या है, ये आपकी है रिएक्शन जो आपको बैलेंस करने का तरीका है। एक रिएक्शन और देख लीजिए थोड़ी सी बड़ी, उसके बाद हम क्लास को क्या करेंगे, लेक्चर को ओवर करेंगे, क्योंकि ये सारा आपका प्रैक्टिस का काम है। और आपने अगर इतनी सारी चीजें मेरी वीडियो जो देखी है उसमें आपके जब इंटरनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, इंटरनल मेन एक्सरसाइज नहीं, इंटेक्स वाले क्वेश्चन, अब आप सारे डील कर सकते हैं। बट उसमें ध्यान रखना कुछ जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। कुछ में आपके खाली आपको फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे तब बैलेंस कीजिए, कुछ में आपको सेंटेंस इक्वेशन दे रखी है तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोला था जब तक आपको इनके फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आपके लिए वो डिफिकल्टी है। बट फिर भी किसी को दिक्कत है तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तब तक मैं एक रिएक्शन और कराता हूं जो जरूरी है, उससे आप काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन नंबर 4 FeSO4। FeSO4 को जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। कितना बनेगा आपका, ये एक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन देख के आप लोग घबरा जाएंगे, अरे इतनी बड़ी रिएक्शन बैलेंस करनी है, कुछ नहीं है, चुटकियों का खेल है ये। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, जहां पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहां पे इनको आप अलग अलग गिन लेंगे, अलग अलग नहीं, मतलब वही चीज मुझे सिखानी है उसको सीखिए। Fe कितना है 1, Fe कितना है 2, ये तो क्लियर हो गया कि ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, नो डाउट। अब मसला क्या बचता है, अब देखिए Fe कितना है आपका, यहां पे 1, यहां पे Fe 2, सल्फर कितना है 1। अब आप क्या कहेंगे, इसको गिन लेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, रिएक्टेंट साइड में जितने आपके एलिमेंट हैं सेम, ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन गिने जाएंगे। जैसे इसमें सल्फर है तो यहां पे आपका एक सल्फर, यहां पे एक नहीं बोलोगे आप, सल्फर नंबर 1 और सल्फर नंबर 2, दो सल्फर है यहां पे, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल काउंट होता है हमेशा रिएक्टेंट साइड का टोटल और प्रोडक्ट साइड का, इंडिविजुअल नहीं, ठीक है। तो मुझे इसको भी रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है ना, तो इसको भी मैं रब करता हूं और आपको ये रिएक्शन प्रॉपरली करके दिखाता हूं, समझाता हूं। ये देखिए यहां पे क्या है आपका, Fe की अगर मैं बात करूं तो Fe यहां पे 1 है और यहां पे कितना है 2, ठीक है। आगे आता है आपका सल्फर, सल्फर कितना है आपका यहां पे 1 और यहां पे सल्फर का नंबर टोटल कितना है 2, कैसे, एक सल्फर ये रहा और दूसरा सल्फर ये रहा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर कितना है यहां पे 4 और ऑक्सीजन का नंबर यहां पे 3 मत लिख देना, 3 ऑक्सीजन, 3 2 5 ऑक्सीजन, 5 और 3 8 ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पे 4 है, यहां पे 8। अब मैंने बताया था जब इतनी सारी चीजें हो तो क्या करेंगे, डिफरेंस 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। तो पहले किसे बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन को भाई, जिसमें डिफरेंस ज्यादा उसी को। अब ऑक्सीजन को कितना है, यहां टोटल ऑक्सीजन है 8, यहां पे कितने हैं 4, तो 4 को 8 बनाने के लिए यहां पे आप 2 नहीं लिख सकते, यहां भी नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे, सबसे आगे। अब जैसे ही आपने किया, ऑक्सीजन कितने हो गए 8, इधर ऑलरेडी 8 है, ठीक है। अब देखिए यहां पे Fe कितना हो गया 2 में, यहां पे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2 × 1, Fe कितना हो गया 2, Fe 2, अरे वाह ये भी बैलेंस हो गया। सल्फर को लिख लेते हैं, अभी कुछ नहीं है 1, तो 2 में 1 की मल्टीप्लाई, सल्फर कितना हो गया 2, इधर भी कितना 2, अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक ही जगह हमने 2 लगाया और आपकी पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। इसीलिए मैंने बोला है अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान रखेंगे जो मैंने बताए हैं, टोटल 2 या 3 स्टेप, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके की आपकी बुक के अंदर बहुत एक्सरसाइज है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।